दोस्तों, एक बूतिया कैनल में, बूतिया डॉग के कैनल में क्या खाने के लिए डाला जाता है, ये व्लॉग उसके कारण है। और ये भाई साहब की होगी है तैयारी। ये बर्तन देख लो कितने कितने बड़े हैं। भैया, कितने डॉग्स का खाना तैयार कर रहे हो अभी? अभी ये तो हमारे है ये भैया 16-17 डॉग का। 16-17 डॉग का? हाँ जी। तो मतलब कितने किलो चावल है इसमें, कितने किलो? वैसे गिनता तो नहीं होंगे आप? नहीं गिनते नहीं, वो हमें एक मतलब आइडिया रहता है कि तो 17 डॉग के लिए कितना खाना है, मतलब क्या क्या रेशियो का है। इसमें हमारी है सोयाबीन बड़ी, ठीक है, और ये आप चिकन है, इसमें दलिया है, चावल है, बाकी हम एक टाइम कभी भी ये दे देते हैं, ठीक है, बाकी टाइम हम रोटी भी देते हैं, दही और लस्सी ज्यादा देते हैं। तो चिकन कहाँ से लाते हो, स्रोत क्या है आपका लाने का? चिकन तो मैं देखो दुकान से ही लेके आता हूँ। ब्रॉयलर ही चल रहा है? हाँ। देसी तो चलो 12 भी नहीं खाएगा। देसी तो नहीं मिलता इतना जल्दी। तो चल, डालिए कैसे डालते हैं कटोरी में। अब ये ना वीडियो देखने वाला क्या है, ये आज तक मैंने किसी कैनल में नहीं देखा कि 10-15 डॉग को इकट्ठा खाना खिला रहे हैं। भाई साहब, वो वीडियो देखना आप, मजा आ जाएगा, आगे देखते रहोगे। पहले ये अपना खाना डाल देते हैं, हम देख लेते हैं कितनी क्वांटिटी देते हैं ये। इसमें हम मतलब हल्दी ऐड करते हैं और थोड़ा सा नमक ऐड करते हैं। अच्छा, हल्दी से क्या होगा जी? हल्दी से तो इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी रहती है। अच्छा। और पेट से जो बीमारी होती है, पेट से संबंधित, उस चीज को मतलब हल्दी से बचा जा सकता है। अच्छा। और नमक डालने से थोड़ा सा, जैसे आज के टाइम पे तो लोग एंटी रेबीज वाले जैसे इंजेक्शन तो हम भी लगाते हैं। हाँ। लेकिन जो डॉग या जो जानवर नमक खाता है उनके रेबीज का कम असर होता है। अच्छा, होता ही नहीं है? ये पहाड़ी, ये पहाड़ी मतलब ये हमारे यहाँ का फंडा है ऐसा। ठीक है, तो भैया ने ये लगा दिया जी, नमक डालने से रेबीज नहीं होता, ये भी एक नॉलेज वाली बात है। क्योंकि जो पुराने लोग होते थे ना, अब जैसे खारिश होती थी भैया, तो खारिश में जो पहाड़ी लोग है वो क्या देते हैं कुत्ते को, अगर किसी डॉग को खारिश हो जाए तो क्या देते हैं वो? पहाड़ में जो ये चीजें है ना, गंधक का जो पानी होता है, और पहाड़ में जो हमें पता है कि बहुत तरीके की जड़ी बूटी पानी में मिलके आती है, और नदी नाली का जो पानी होता है जो नॉर्मल डॉग या कोई भी जानवर उसको पी जाता है, तो खारिश की समस्या तो पहले बहुत कम आती है। दूसरी बात, पार्वो वायरस से जैसे मतलब पहले भी होते थे जैसे उल्टी दस्त होना, तो वो जो चूल्हे में जल रही राख होती है, राख का घोल पिलाकर उसको बचाया जा सकता है। अच्छा। और ये बहुत सारी चीजें हैं, जैसे लहसुन का पानी, लहसुन जो होती है, लहसुन को कूटकर जो पानी होता है उससे भी बहुत सारी बीमारियों का निवारण होता है। ये भैया डालते हैं, लहसुन का पानी भी दे सकते हो, गंधक का भी घोल दे सकते हो। हाँ, गंधक वो एक्चुअल में होती है चर्म रोग वगैरह के लिए। चर्म रोग मतलब स्किन का रोग है। ठीक है, जैसे नीचे सैलमन ऑयल, पता नहीं कौन कौन से प्रोडक्ट डाल रखे हैं। हाँ। लेकिन यहाँ पर कोई भी देखो, किसी डॉग को खारिश भी नहीं है, किसी के बाल नहीं उतर रहे, और कोई सैलमन ऑयल वगैरह नीचे से तो बिल्कुल अनकट है ये लोग। तो भैया, जो साल के बीमारी के टीके लगाते हैं नीचे, वो यहाँ पर लगते हैं क्या? सर नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन आज के टाइम पे अगर मैं बात करूंगा तो कहीं ना कहीं और ब्रीड जो लोग हमारे आसपास पाल रहे हैं उनसे पार्वो का बहुत कभी कभी इफेक्ट बहुत होता है यहाँ पर। और पार्वो से बच्चों को पार्वो होता है तो हम केवल एक बार बूस्टर, एक सिंगल डोज और फिर बूस्टर लगाते हैं, और उसके बाद जब डॉग एक साल का हो जाता है उसके बाद उसे मुझे नहीं लगता कोई जरूरत पड़ जाती है। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर कोई टीके वगैरह नहीं लगते अभी। हाँ, इतना बस हम एंटी रेबीज का लगा लेते हैं कि ताकि कभी हमारे काम वाले जब चेंज होते हैं तो इन केस कभी अचानक हो जाए। वैसे हमारे डॉग, चाहे हमारे नए काम वाले आ जाते हैं कोई भी, वो पहचान जाते हैं कि ये हमारी सेवा करने आ रखे हैं। और ये सबसे अच्छी बात है इस ब्रीड की कि ये वो उसको एग्रेशन कभी दिखाता ही नहीं है। चलिए जी, ये मतलब ये कितने किलो का होगा जो एक एक डॉग के लिए बना रहे हो ना आप? हाँ, तो ये तो मतलब है 1.5 किलो 2 किलो के लगभग। 2 किलो के? और ये जैसे खाना, मतलब जैसा शरीर है डॉग का उस हिसाब से देते हैं। ठीक है, तो ये खाना कितने टाइम देते हो बड़े डॉग को? ये 1-2 टाइम में हम खाना देते हैं, मॉर्निंग में लगभग 8:30-9 बजे और इवनिंग में देते हैं वैसे तो 5:30-6 बजे। ठीक है, चिकन बिल्कुल घुल गया हुआ है इसमें? हाँ, चिकन घुल गया है। और मतलब होती है, अब इतना चिकन जो है इतना महंगा है, और जो थोड़ा बहुत वेस्टेज चीज होती है जैसे बकरी की, जिसे छांट का मीट कहा जाता है, उसको लेके आते हैं, और वो क्या होता है कि जब पकाते टाइम वो घुल जाता है, और जो कि दलिया चावल के अंदर पूरा अच्छे से चला जाता है और डॉग उसे खाता भी बढ़िया से। ठीक है जी, तो देखिए ये छोटे से बच्चे वो भी टाइम बिल्कुल देख रहे हैं यहाँ से कि भाई खाना हो गया तैयार। ये देखिए, ये यहाँ के वो नहीं होते वैसे एक्चुअली, ये यहाँ के लोकल है ना? हाँ, ये लोकल है। तो ये देखिए, ये लोकल डॉग है, ये भी यहाँ पर कैनल में खाना खाने आ गए हैं। तो इसकी मदर भी होगी ना भैया आसपास कहीं? मदर आसपास है, यहाँ पर नहीं है। और ये देखिए छोटे से बच्चे, ये वैसे ही है जो जिसको लोकल डॉग हम कह सकते हैं। ये भी बूतिया के साथ मिक्स होते थे ना पहले, तो ये भी बूतिया ही होते हैं। इन्हीं डॉग से तो मिक्स हो रखा है बूतिया डॉग जो। हाँ, इन्हीं से हो रखा है। तो वो उनके लिए भी खाना तैयार कर देंगे भैया, उनको भी खिला देंगे, है ना? ये आ गया, ये वो देखिए छोटा सा आ रहा है बिल्कुल ही। चलिए जी, अब खाना तैयार है, थोड़ा सा ठंडा होने दे। हाँ, अब ठंडा होने दे। चलिए जी, प्योर संस्कार आपको दिखाते हैं डॉग्स के कैसे रहते हैं यहाँ पर, और ये डिसिप्लिन यहाँ तो इन्होंने सिखाया है।
यहाँ इस ब्रीड में होता है वो देखते हैं। मेन तो डिसिप्लिन ही बताने लगा हूँ। और भैया पहले चेक कर रहे हैं ठंडा है या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा गर्म देते हैं ये, ज़्यादा नहीं देते। और ये देखिए ये कटोरे लेकर चल पड़े हम इनके जाएंगे पीछे पीछे। दो लेके आए अब इनके संस्कार देखते हैं कैसे हैं। अच्छा वो भाई ये भी दो ले आए तो ये देख रहे हैं भाई। वो नहीं है जपटा वाला सिस्टम नहीं है ना, आप आ जाओ इसे बंद कर दो। अच्छा इसको बंद कर देता हूँ। अच्छा जी ये गैंग अब। अच्छा एक कटोरे में एक लगाएगा। अच्छा वो दूसरे कटोरे में नहीं जाएगा, नहीं जाएंगे, कोई नहीं है। अब ये देखिए एक कटोरे में है जो ये खा रहा है तो उसके पास, मतलब दूसरा कोई भी दूसरे के कटोरे में नहीं जाएगा। भैया मुझे तो नहीं काटेंगे ये, वो एक वहां पर है। अच्छा ये यार क्या बात है, ये तो आदमियों से भी ज्यादा संस्कार लगते हैं इनके। वैसे मैंने मैक्सिमम देखे मेरे डॉग भी एक कटोरे में तीन तीन घुस जाते हैं, वो सिस्टम नहीं है यहाँ पर। तो ये भैया सिखाया आपने या इनके ब्लड में है? ब्लड में ही है ये, ब्लड में है। अकेला अकेला खाना है, अकेला अकेला खाना है। ये जब थोड़ा बच्चे होते हैं तो वो इंटरफेयर करते हैं, लेकिन धीरे धीरे इतना समझ जाते हैं कि ये अपना डोंगा अपना ही है, जिसको जिसमें दिया जाएगा उसी में खाएगा। अच्छा ये तो आपके लिए आसानी है फिर इनको खाना खिलाने में। बिल्कुल बिल्कुल, इस ब्रीड के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो फायदे हैं, इसी चीज़ के बहुत फायदे हैं। देखिए आप कितना वो है सिस्टमेटिक, किसी डॉग ने जल्दबाजी नहीं की। वो हम देखते हैं ना चाइनीज वीडियो में देखते हैं कि एक एक डॉग को खिला रहे हैं नाम लेकर, तो वही सिस्टम लगा है। क्या बात है जी, उसको तो अभी खाना खाएंगे भी नहीं। अच्छा कुछ नहीं खाएंगे, नहीं, जो हीट में है वो नहीं खाएंगे। और आजकल थोड़ा वो भी है ना, आज थोड़ा हमने टाइम से पहले भी दे दिया। अच्छा, हाँ इनका टाइम था मेरे ख्याल से। कितने बजे देते हो शाम को खाना आप? शाम को ही देते हैं अभी 6 बजे। कभी ये होता है कि आपस में लड़े हो खाने के पीछे? नहीं ऐसा तो नहीं है, वो थोड़ा बच्चे को डांटते हैं बड़े डॉग, जब बच्चा थोड़ा उसे समझ नहीं होती वो थोड़ा सा चला जाता है बड़े के डॉग में। अच्छा मतलब डोंगे में खाने में। अब जैसे ये नहीं खा रहा है ये क्या प्रॉब्लम? वो नहीं खा रहा है, वो तो हीट में है अभी, मतलब मेट नहीं हुई है। अच्छा बाकी जो ये है 2-4 दिन पहले इनको भी यही प्रॉब्लम थी। अच्छा और मेल आजकल बहुत कम खाना खाते हैं क्योंकि हीट के टाइम पे मेल खाना कम खाता है, चाहे वो किसी भी जानवर में हो किसी भी ब्रीड में हो, खाना मेल कम खाना खाता है जब कोई फीमेल हीट में होती है। ठीक है चलिए दोस्तों, ज़्यादा हम खाने की तरफ नहीं चलते। ये वीडियो अच्छा लगा हो, एक छोटा सा वीडियो था कि पहाड़ी लोग खाने में क्या देते हैं, तो इन्होंने यही बताया कि हम स्पेशल कुछ नहीं देते, जो घर में खुद खाते हैं वही इनको देते हैं। मतलब ये दूध चावल भी दूध भी दे देते हैं। अच्छा कई लोगों का मिथ है नीचे कि दूध से कुत्ते को वो हो जाता है लैक्टोस होता है, तो ये पहाड़ी लोग जो होते हैं ये दूध क्यों देते हैं फिर, दूध से ये बीमार नहीं होते क्या? देखो पहले तो ये सब चीज़ें होती है कि लैक्टोस तो ज़्यादा कहीं ना कहीं होता है उनमें, भैंस के दूध हो या गाय का दूध हो, और बकरी का और जो डॉग का होता है वो लगभग सेम दूध होता है। और इसमें वैसे तो अभी तक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है दूध के चक्कर, क्योंकि बचपन से माँ के साथ, माँ को जो खाना दिया जाता है माँ के खाने को बच्चा भी 15-20 दिन के बाद से खाना शुरू कर देता है। अच्छा। और उसको वो चीज़ हैबिट हो जाती है उसे उस पचाने को। तो अकेला जो दूध रोटी आप कह रहे थे दे देती है? हाँ दूध रोटी दे देते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे कि वो जो वॉर्म्स होते हैं वॉर्म्स बढ़ जाते हैं पेट में दूध से, उनकी ग्रोथ भी बढ़ जाती है। तो देखो हमने तो पहले से, अगर हमारे पूर्वज जो हैं वो इस चीज़ को देते आ रहे हैं, और डॉग की ग्रोथ अगर आप बात करोगे तो सारे अच्छे हैं। तो डिवॉर्मिंग भी करते हैं लेकिन बचपन में करते हैं, बड़े के बाद मुझे नहीं लगता ऐसी कोई दिक्कत आती है। मतलब जब ये बड़े हो जाते किसी को आप डिवॉर्मिंग भी नहीं करते? डिवॉर्मिंग भी नहीं करते। तो कीड़े कभी निकले हैं वैसे बचपन में? कभी देखे हैं कीड़े वैसे? ऐसा है कि जब अगर कुछ लग जाए ऐसा कि कीड़े हैं, तो अब तो हम अगर ब्रीडिंग का काम कर रहे हैं तो हम प्रॉपरली कर लेते हैं, अदरवाइज और की बात करूंगा जो यहाँ होता है होता आ रहा है तो उसमें ऐसा कभी कुछ नहीं था। ग्रोथ पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस सीजन के टाइम पे जो मेटिंग सीजन है उस टाइम मेल हो या मतलब मेल ज़्यादातर कमज़ोर हो जाते हैं। अच्छा भैया एक बात और, कलर कितने आते हैं इसमें? देखो मोस्टली तो इसमें गोल्डन के भी 2-3 सेड आते हैं, और ब्लैक आता है एक, जेड ब्लैक, और चेस्ट पे थोड़ा व्हाइट होता है, ब्लैक 10 कलर आता है, और एक रेडिश ब्राउन कलर में आते हैं। मोस्टली ये 4-5 कलर ही देखने को मिलते हैं इन डॉग के, बस यही 4-5 कलर जो होते हैं। मेन सबसे कॉमन कलर कौन सा है? सबसे कॉमन कलर है ब्लैक 10 कलर का। ब्लैक 10? हाँ सबसे अच्छे डॉग होते हैं, मतलब सबसे ये रेयरेस्ट केस में होता है जो प्योर ब्लैक मिलते हैं, जैसे आपने ये बगीरा देखा होगा। ये बगीरा जो है ये आज के लिए जो सेडिंग में इसका ब्राउन सेड दिख रहा है क्योंकि इसकी सेड हो रही है, लेकिन वैसे जब इसका फुल ग्रो हो जाएगा ये पूरा ब्लैक ही होता है, ठीक है, कहीं भी व्हाइट स्पॉट नहीं है। ये बड़ा सुंदर डॉग है इनका लगा, ये बिल्कुल ब्लैक है तब भी थोड़ा सा लग रहा है, ये 1.5 साल का है।
और एक सबसे बड़ी इनकी चीज बता दूं कि जो ब्लैक टन कलर का डॉग होगा वो थोड़ा सा हाइट में और स्ट्रक्चर में बड़ा होगा एज कम्पेयर टू प्योर ब्लैक डॉग। अच्छा, ब्लैक से ज्यादा होगा। हाँ, प्योर। हाँ, क्योंकि यहाँ के जो उत्तराखंड के कभी राजा होते थे गढ़वाल के, जब पूरा गढ़वाल एक था तो वहाँ के जो यहाँ के जो राजा थे उन्होंने अपनी सेना में ऐड करने के लिए जो ये ब्लैक टन कलर का डॉग है वो बनाया था। आज से 200-250 साल पुराने बात है। अच्छा, 200-250 साल पहले बनाया था ब्लैक टन को, मतलब ब्लैक से ही बनाया था। ब्लैक टन बाद में निकला था। हाँ, निकला, पहले का ब्लैक है। ये जो है प्राचीन डॉग है हमारे, जो पूरा ब्लैक होता है। तो दोस्तों, ये कैसा लगा आपको? ये है ब्लैक कलर का बघीरा जो अभी खाना खा के मस्ती में आ गया। हाँ। और 1.5 साल का ये डॉग। तो ये वीडियो आपको सीरीज कैसे अच्छी लगी तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। भैया का चैनल है अमर डॉग चैनल, वहां पर जाके आप सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप भूतिया लवर हो, वैसे होना चाहिए, अपनी इंडियन की डॉग है ये, हमें चाहिए अमेरिका में भी जाए, रशिया में, पहले जाती थी, गई है, पहले गई है। ब्रीड को सुधारने के लिए गई है ये। हाँ। और वहां उन्होंने ब्रीड को सुधारा है। बाकी अब ऐसा है, जिन्होंने खाना खा लिया है, अगर उन्होंने उनके खाना छूट गया है, अगर दूसरा डॉग कोई खा रहा है फिर भी ये इंटरफेयर नहीं करेंगे क्योंकि उसने पूरा खा लिया अपना। ये देखो वो है, संस्कारी चैनल चल रहा है अभी, कोई ऐसे है कि किसी के जिसने खा लिया वो हट गया है और दूसरे को अगर भूख ज्यादा होगी तो वो उसका भी खा लेगा। जैसे तर बच्चों ज्यादातर ऐसा होता है, उन्हें आइडिया नहीं होता खाने का, वो खा लेते हैं। चलिए जी, नहीं तो चिकन के लिए हमारे डॉग तो लड़ पड़ते हैं एक दूसरे से, खून करने के लिए हो जाते हैं, लेकिन बिल्कुल शांत ब्रीड है। तो अगर आपने ये ब्रीड अडॉप्ट करनी है तो भैया को कॉल कर लेना। थैंक यू भैया इतना टाइम देने के लिए। अगर कुछ और एक्स्ट्रा होगा तो आप अपने चैनल में बताते रहना। जी बिल्कुल। थैंक यू भैया, थैंक यू।